ना जाने कब इतनी बड़ी हो गई कि अब अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तेरी ममता की छाँव में आज मैं नौकरी करने लगी हूँ। ना जाने कब इतनी बड़ी हो गई कि अब अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तेरी ममता की छाँव में आज मैं नौकरी करने लगी हूँ। आज भी सब कुछ वैसा है, बस इन फिजाओं ने जरा सा रुख बदला है। इस महामारी ने कईयों को अपने से दूर किया है, लेकिन माँ तुम इस मुश्किल घड़ी में भी हर वक्त मेरे साथ खड़ी हो। जब भी तैयार होकर घर से निकलती हूँ अपना फर्ज पूरा करने, दूर खड़ी माँ चुपके से कहती है अपना ध्यान रखना। घर से निकलने के बाद हर पल ईश्वर से कहती है मेरी बेटी इस महामारी में अपना फर्ज पूरा करने निकली है, इसका ध्यान रखना। सुन माँ, दिल से मेरे भी यही आवाज निकलती है। मेरी माँ सलामत रहे हर वक्त होठों से दुआ यही निकलती है। बिना कुछ मेरे कहे तेरा समझ लेना, इस मुश्किल घड़ी में तू मेरा कितना ख्याल रखती है। समझ ना पाई माँ के पास वो कौन सी जादू की छड़ी है, मैं मांगू उससे पहले वो पूरी हर बात कर देती है। देखा है मैंने इस कोरोना में एक माँ अपने संक्रमित बच्चे को सीने से लगाए अस्पतालों के बाहर लाइन में लगी है। हाँ माँ, देखा है मैंने एक माँ को अपने बेटे के लिए इलाज की भीख मांगते। देखा है मैंने एक माँ को रिक्शा पर अपने बेटे का शव ले जाते। देखा है मैंने उस माँ को जो बेटे के इलाज के लिए दर दर भटकती है। ये सब देखकर जब दफ्तर से लौटती हूँ तो तुझे भी देखा है मैंने ईश्वर को धन्यवाद करती। मैं जानती हूँ डरती तू भी है कि मुझे कुछ हो ना जाए, लेकिन मैं मजबूत बनी रहूं इसलिए होठों को सिए रहती है। पर देखा है मैंने तेरी आंखों में मुझे खो ना देने का डर, बस यही डर हर वक्त मेरी आंखों में भी तूने देखा है। सच कहूं तो चट्टान की तरह खड़े रहकर इन मुसीबतों से लड़ना तुझसे ही तो मैंने सीखा है।